गबरू सिलके आज क्वीन के बच्चों की फीडिंग स्टार्ट करेंगे। टेस्टी वाला पनीर या फिर बालू आराम से खाओ, जल्दी क्या है। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। वो बेटे गाइस कह दिया तो भाई सीख गया छोरा। गुड मॉर्निंग भाई सभी भाइयों को। वो सुबह की होगी शुरुआत, और सुबह की शुरुआत आज कहाँ से होगी। आज सबसे पहले तो बता देते हैं, क्वीन के बच्चे हो गए अपने 19-20 दिन के हो गए हैं, और उनको आज थोड़ी थोड़ी फीडिंग स्टार्ट करेंगे। फीडिंग स्टार्ट करने के लिए पहले उसको फीड को मिक्स करेंगे, पीसेंगे। तो दिखा देते हैं आपको पहले कि पीसेंगे क्या, कुछ कार्रवाई चल रही है अपनी। देख लो, ये हमारी मिक्सी है, ये हमारी फीड है, और इसे अब हम पीसेंगे। ले भाई निकुंज, रोटी ठाई का खड़ा भाई इना पीस पहले वाला बैठ का, ये रोटी वाला काम बाद में करिए। तो गाइस ये आ गया हमारा छोटा चेतन, जो कि अभी इसको फीड को पीसेगा। काम करो बेटा, जल्दी जल्दी लगे रहो लगे रहो। सभी देख रहे हैं आपको, खोल इसको। हाँ भाई, बहुत मेहनत से बच्चों को सिखाना पड़ता है, ये आने वाले भविष्य के ब्रीडर हैं आपके। हिस्सा तो नहीं डाल पाला इसके अंदर। ठीक हो जी, तो फीड पीस दे बेटा, ठीक है। मैं और रौनक चलते हैं, तब तक डोस को खाना डाल के आते हैं। चलो भाई चलो। लो जी चलते हैं, फिर रोटियां डालते हैं डॉग्स को। ये पहुंच गया कैनल पे, और अपना चिकन रेडी हो रहा है। चिकन और चावल बनेंगे। सभी साथी तत्वों को अंदर कर दिया गया है। हाँ जी गबरू सिलके, ये ले आ जाओ। ये सभी बच्चियों को अंदर कर दिया। हाँ जी क्या करेगा अब, क्या करेगा बता। पी बन रहा है गाइस। आना बता रही है ना, क्या करेगी, खाना खाना है। ये खाना मांग रही है भाई ये सभी। और ये बच्चों ने पानी की तैयारी कर दी है। मोटो आतर को अंदर कर दिया। और भाई आज आप सभी को दिखाएंगे क्वीन के बच्चे। जूली के नहीं दिखाएंगे, क्वीन के बच्चे दिखाएंगे। जूली के भी जरूर दिखाएंगे। आज क्वीन के बच्चों की फीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बताएंगे कि स्टार्टिंग में फीडिंग स्टार्ट करनी कैसे है, थोड़ा थोड़ा खिलाना है बच्चों को, कैसे खिलाना है, कैसे लगाने हैं, ठीक है। आज 20 दिन के हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा चाटना, जीभ चलाना स्टार्ट करेंगे। देखो निप्पल वगैरह से आप दोगे तो क्या होता है कि निप्पल से बच्चा ज़्यादा शक्कर लेता है, वो बैक भी आ जाती है ज़्यादा पीने की वजह से। तो हम तो क्या करेंगे भाई, हम तो ऐसे मैनुअली खिलाएंगे बच्चों को। जितना खाएंगे, दो चार जीप लगाएंगे उतना बेस्ट है। सबसे पहले तो हमने पनीर फाड़ लिया है, पनीर आपको दिखा देते हैं, और बाकी फीड अपनी ग्राइंड होके आ रही है। जल्दी से निकुंज लेके आ जाएगा। ये अपना पनीर रेडी रखा है, पनीर के बाद रोटियां दही, ये बाकी डॉग्स को जितनों को भी खाना देना है। जब तक प्रेग्नेंट फीमेल्स को हम खाना डाल देते हैं, एग रख देते हैं बॉइल करने के लिए। जब तक निकुंज आता है सारी कार्रवाई बिठा देते हैं, एग रख देते हैं, पनीर रोटियां जी बाहर वाली फीमेल्स को रोटियां दे देते हैं, जूली को और क्वीन को भी खाना दे देते हैं। गबरू सिल्क की तैयारी हो जाएगी, अंडे के साथ खाएंगे, और क्वीन खाएगी पनीर के साथ, जूली भी एग के साथ ही खाएगी। बाकी तब तक जब तक अंडे उबलते हैं हम बैठते हैं हाथ पे हाथ रख के। रौनक तू ऐसा कर, इसके अंदर है ना थोड़ी सी फीड जो ग्राइंड करती है निकुंज ने, वो लेके आ। लो जी आ गई अपनी फीड, ठीक है। अब इसको करते हैं हम रेडी। अब इसमें करेंगे क्या, हम सबसे पहले तो हमने रॉयल कैनिन का दूध ले लिया। देख लो ये रॉयल कैनिन का दूध है, इसमें थोड़ा सा एज अ फ्लेवर दूध मिक्स करेंगे। एक दो स्कूप हमने फ्लेवर मिक्स कर लिया है इसके अंदर, और थोड़ा सा गटवेल थोड़ा सा डालेंगे। इतना बच्चे खाएंगे भी नहीं, वैसे खाना ज़्यादा बना दिया हमने, क्योंकि पांच ही बच्चे हैं, एक दो जीप मारेंगे। एक दो दिन से पहले वैसे हम दही का ट्राई कर रहे थे, उनको खाई नहीं है बच्चों ने। ये डाल दिया पनीर, टेस्टी वाला पनीर।
उसके बाद मिला दिया इसके अंदर पानी, पनीर का ऊपर का पानी, और इसको अच्छे से बना लो पेस्ट मिक्स करके। ये 20 डेज के पप्पी हो गए हैं, उनका पहले दिन का डाइट स्टार्ट कर रहे हैं। एक दो दिन पहले हम थोड़ा बच्चों को सिखा रहे थे जीभ लगाना, हल्का सा हमें कल रिस्पॉन्स मिला, तो आज आज इनको डालते हैं। ये देखिए ये बन गया पेस्ट। अगर जो ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और पानी मिला लेंगे हम। लो जी बन गया डाइट। और अब हम आपको शो करने जा रहे हैं 1 2 3। ये लो जी, ये है अपने क्वीन के पप्पी। ये हमारी क्वीन है। क्वीन की पहले तो टेल दिखा देते हैं सभी भाइयों को, काफी दिन हो गए होंगे टेल देखे, और बच्चों की टेल भी देख लो। ये लो भाई, ये है अपने बच्चे, करो चेक। हाँ जी, क्या क्वालिटी, फिर क्या बोलती है पब्लिक, है फिर टेल में दम। अभी 20 दिन के बच्चे हैं, ये नहीं कि एक अच्छे वाला बच्चा उठा के दिखा दिया, सारे दिखाएंगे। देखो दो हो गए, अलग अलग उठाएंगे भाई, कभी कई मेरे भाई बोल देंगे एक ही उठा के दिखा रहे हैं। सारे बच्चे देखो, टेल्स के मामले में क्वीन जाने थोड़ी ना देगी। ओए मुर्शद, ये अपना मुर्शद है। देखो मुर्शद की भी टेल देखो भाई। अभी इनको देंगे खाना, और टेल इनकी गई है अपनी मदर पे, और इनकी फादर की भी बड़ी हैवी है, मदर की भी हैवी है। अभी से बचपन में दिख जाते हैं ना, बच्चे के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। अभी इनको खाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इच्छुक है, क्वीन को थोड़ा बाहर कर देते हैं, क्योंकि बच्चे मदर के ही दूध के चक्कर में रहेंगे फिर। अब निकाल दे बेटा, क्वीन बेटा आप बाहर चलो, चलो चलो चलो, निकुंज बुला रहा आपको, चलो। गई क्वीन बाहर, हाँ इधर आ, क्वीन इधर आ जाओ। ये देखो कितनी समझदार है, ले आओ भाई फीड ले आओ। जो मेरे भाई बोल रहे थे कि एक नाम मेंशन कर देता हूँ मैं, हर्षित नाम से लड़का था भाई, कमेंट भी किया था अपनी पोस्ट पे कि सबका फुद्दू कट रहा है, जूली के बच्चे हुए थे कहाँ गए, क्यों नहीं दिखाई। दिखाए, दिखाने का भी रीजन होता है, ये नहीं कि मैं सारा दिन इनके ऊपर कैमरा लिए बैठा रहूँगा भाई, आपको दिखाता रहूँगा। बच्चे दिखाएंगे, टाइम आने पे दिखाएंगे, ठीक है, जब वो क्वालिटी दिखने के लायक हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरे बच्चे दिखने लायक हो गए हैं, थोड़ा सा घूमता फिरता मैं इनको दिखा सकता हूँ, इनकी टेल क्वालिटी, इनका स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ, तभी दिखाऊंगा। ये देखो इनको भूख लगी हुई है भाई, आज ये खाएंगे। देखो फिर मसल देखो बच्चे का, 20 दिन का बच्चा है फिर। भालू ब्लैक बियर, टेल देखो, साइज देखो टेल का हैवी, इसको भी लगा दो। तेरा कहाँ घुस गए भाई बदतमीज, आराम से बेटा आराम से। और ये रह गया फिफ्थ वन भाई, इसकी भी जल्दी जल्दी फोटो ले लो, एक फोटो ले लो इसकी भी, ये पीछे रह गया खाने में। एक दो दिन तो बच्चा करेगा, इसके अंदर घुसेगा, क्योंकि खाने का इनको थोड़ा इतना पता नहीं होता। बेटा आराम से खाओ, आराम से खाओ, आराम से खाओ, जल्दी क्या है। ओए ओए भाई साहब, कमर में प्रॉब्लम होने लगी है इनके चक्कर में, फिर दोबारा इनको अब खाना देने के 1 से 2 घंटे के बाद फिर इनकी माँ का, तब तक दूध अच्छा बन जाएगा। अभी यही रहेगा हमारा, 4-4 घंटे में या 5-5 घंटे में इनको फीडिंग कराते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ये खाएंगे, आराम आराम से सीख जाएंगे। 2 या 4 दिन में ये पूरा अच्छे से खाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी हमने एक कैमल की डोज 15 दिन पे इनको दे दी है हमने, बाकी दूसरी डोज हम देंगे इनको 25 डेज पे, एज पर पपी वेट, बॉडी वेट होगा जो इनका। तो जी ये अपना खाना ख़त्म करेंगे अब, और हमारी वही जो दिन सभी अग हमारे बॉयड हो गए हैं, और खाना वगैरह हम सभी डॉग्स को देंगे, सभी वेट कर रहे हैं। जिसने नहीं देखी है डेली का सुबह का व्लॉग, आप हमारा देख लेना,
के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। आशा करता हूँ आप सभी को वो व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जल्द से जल्द सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, सारे जितने भी मेरे भाई हैं ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दो, और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखना। थैंक यू।